Assalamu alaikum, class 8. How are you, students? Fine, alhamdulillah. I hope you all are doing great in your studies too. Fine, good. Okay, who will tell me what we have learnt yesterday? Yesterday we learnt about factorization of type 4. Which is about a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. Okay? This was our previous lesson. और इसको हमने कैसे सॉल्व किया था? For example, if we have 5x cube minus 45x. So what was our first step? जी, first step में हमने सबसे पहले common लिया था. 5 common दोनों में आ सकता है, x भी आ सकता है. यहाँ हमारे पास बचा x square minus 9. अब इसको हमने squares की form में लिखना है. 5x x square minus 9 को आप लिख दें 3 square. 5x, this is a square minus b square and is equal to a minus b into a plus b. This is the factorization of type 4. Today we'll solve some more examples of type 4. First one is x minus 9 by 5 whole square. X minus 9 by 5 whole square minus 36 over 25 y whole square. लास्ट लेसन में कल जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी वो फ्रैक्शंस नहीं थी उनमें इन्वॉल्व, बट आज जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें क्या है कि फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं. जब फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम? मेथड विल रिमेन सेम, बस यहाँ हमने फ्रैक्शंस के साथ काम कर लेना है. ठीक है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का आपने होल स्क्वायर कंप्लीट करना है और फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. दिस इज ऑलरेडी होल स्क्वायर, दिस होल टर्म इज ए. दिस इज नॉट होल स्क्वायर, सबसे पहले आप इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे. माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 ओवर 25 एंड वाई होल स्क्वायर आ गया ना होल स्क्वायर. वाई के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था तो उसको हमने बाहर भी लिख दिया. नाउ दिस इज ए and this is b and both terms are separated with a negative sign, so simply apply the formula a square minus b square. What is a? X minus 9 by 5 a plus b. What is b? 6 by 5 y. Bracket close. Second term kya hai? A. This is a minus b. Okay? This is the factorization of the given expression. Kaise kiya hai? हमारे पास था x माइनस 9 बाय 5 होल स्क्वायर माइनस 36 ओवर 25 y स्क्वायर. सबसे पहले हमने क्या किया? स्क्वायर्स कंप्लीट किए. तो x माइनस 9 बाय 5 इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर. सेकेंड जो टर्म है x 36 ओवर 25 y स्क्वायर, इसको हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा. 36 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है?
6 का 25, 5 and y and whole square. Now a and b terms are here, a square minus b square. तो सिंपली आपने a लिखा, फॉर्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ओके, नाउ सी द अदर एग्जांपल. या तो आप इनको भी ऐड करें या कॉमन लें, इनको खत्म तो करना है. 25 कैन बी रिटन एज 5 होल स्क्वायर एंड 16 कैन बी रिटन एज 4 होल स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स प्लस 5 बाय 4 होल स्क्वायर. इस 5 को भी स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह से होल स्क्वायर हमने लिख दिया. माइनस 16 is the square of 4, x plus 7 by 4, and this is whole square. अब आपके पास ऑप्शन है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद प्लस माइनस के साथ लिख लें, या फिर आप इसी तरह लिख लें. मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा. 5 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 5x. प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 बाय 4 होल स्क्वायर. माइनस सीधा ना 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x. प्लस 47 के साथ मल्टीप्लाई होगा 28 बाय 4. नाउ दिस होल टर्म इज a एंड दिस होल टर्म इज b. ओके, a एंड b हमने डिफाइन कर ली. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. आपने a टर्म को लिखा, a टर्म इज 5x प्लस 25 बाय 4, दिस इज a प्लस b. इसी तरह इसको एक दफा नेगेटिव साइन के साथ भी लिखना है, और जब नेगेटिव साइन होगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. चल, यहां तक हमने फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया, ठीक है, बट अब हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे. 5x प्लस 4x इज 9x. 25 बाय 4 प्लस 28 बाय 4. डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे एंड इट विल बिकम 53 ओवर 4. इसी तरह यहां 5x माइनस 4x इज x. 25 बाय 4 माइनस 28 बाय 4 इज माइनस 3 बाय 4. दिस इज द फाइनल फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन सम्स. सबसे पहले हमने क्या किया के 25 और 16 को इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर लिखा. उसके बाद 5 और 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास a और b टर्म्स बन गए. अब जो a और b टर्म्स बन गई है, अब आपने उनको प्लस माइनस की फॉर्म में लिख देना है, a प्लस b इंटू a माइनस b.
बाद आपने उनको सिंप्लीफाई भी करना है, मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर जो है वो आपने लिखना है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सी अनदर एग्जांपल. 16 into a plus b whole square. Let me raise the board. फ्रैक्शंस थी. अब क्या करेंगे? नाउ मल्टीप्लाई 4 एंड 7. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी हैव 4a प्लस 4b होल स्क्वायर माइनस 7a माइनस 7b होल स्क्वायर. नाउ दिस होल टर्म इज a एंड दिस होल टर्म इज b. सो अप्लाई द फॉर्मूला a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. a is 4a plus 4b. minus जब हम करेंगे तो 7a के साथ minus आ जाएगा, इसके साथ plus आ जाएगा. ये signs अगर change होते हैं तो वो आपने बहुत ख्याल रखना है. 4a plus 4b plus 7a माइनस 7b. अब यहां भी अगर आपके पास कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करें. 4a माइनस 7a इज माइनस 3a प्लस 11b. यहां आएगा 11a माइनस 3b. दिस इज अ फाइनल आंसर. क्या किया है हमने यहां? We have 16 into a plus b whole square minus 49 into a minus b whole square. सबसे पहले 16 और 49 को हमने whole square के फॉर्म में लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई किया 4 को और 7 को. अब हमारे पास a square और b square की फॉर्म बन गई है. तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते. फॉर्मूला अप्लाई जब आप करेंगे तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे. इज इट ओके? नाउ सी इवैल्यूएशन ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला. इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और नंबर्स का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 371 माइनस 129. दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ squares. This is a square and this is b square. क्या करेंगे? We'll simply apply the formula a minus b a plus b. Add कर दिया और subtract कर दिया.
चलें अब आप इनको आप करें ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड देन टेल मी द आंसर. 371 माइनस 129 क्या होता है? 371 माइनस 129 इज 242 एंड 371 प्लस 129 इज 400. नाउ मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. 242 और 400 को आप मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर. Similarly, see another example. लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर नहीं है. इसको छोड़ने न्यूमिनेटर में अगर अप्लाई करें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी. ओवर में आप एज इट इज लिख दें 0.567 माइनस 0.433. अब हमें ये पूरा फैक्टर इसके साथ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है. ऊपर भी यही है ना 0.567 माइनस 0.433 और नीचे भी यही है. बचा क्या हमारे पास 0.567 प्लस 0.433. आप इनको ऐड कर लें एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ऐड किस तरह से करेंगे? डेसिमल के नीचे डेसिमल साइन, पॉइंट से बाद और पॉइंट से पहले. 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 5 10 एंड 1.000. पॉइंट के बाद अगर आप जीरो को इग्नोर भी कर दें इट्स फाइन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, अब आपके पास एक्सरसाइज 6.5 हमने कंप्लीट करी ऑलमोस्ट. जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं आप उनको कंप्लीट करें अपने, और अगर कुछ समझ नहीं आती तो आप पूछ लें. Your assignment is to do exercise 6.5, question number 11 till 18. 11 to 18 आपने questions को solve करना है, और अगर किसी का पिछला काम missing है तो आपने साथ में उसको भी cover up करना है. Okay? Question number 12 and question number 14 are same. Both दोनों questions में steps आपके बिल्कुल same हैं. Just क्या होगा कि figures change हुए हैं और अंदर fractions change हैं. बाकी step आपने बिल्कुल same वही copy करने हैं. तो आपने कोशिश करनी है कि 12 को अच्छे से समझ के and then try to do question number 14. And I hope कि अगर आपने 12 समझ लिया तो 14 आपसे easily solve हो जाए. Is it okay? Okay, thank you students. Allah Hafiz. Take care.